अगर आपके जेब में नगद रुपए नहीं है और आप बस से सफ़र करना चाहते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आप कैशलेस यात्रा कर सकेंगे। बस में सफ़र करिए और किराए की धनराशि फ़ोन पे या गूगल पे से सीधे परिवहन विभाग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से यह सहूलियत यात्रियों को मिलने जा रही है। प्रयागराज मंडल के करीब 600 इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन परिवहन विभाग की ओर से उपलब्ध करा दी गई है। बहुत जल्द ही यात्रियों को इसका लाभ भी मिलेगा। दरअसल काफ़ी दिनों से बड़ी संख्या में ई टिकट मशीन खराब पड़ी है। इसका फ़ायदा बस कंडक्टर उठा रहे हैं। ज़्यादातर कंडक्टर मैनुअल टिकट बनाने लगे हैं। पिछले दिनों में ARM सिविल लाइन से कुछ यात्रियों ने टोल टैक्स के नाम पर अधिक किराया लेने की शिकायत की थी, जिस पर ARM ने कंडक्टरों को ऐसा न करने की चेतावनी भी दी थी। जब ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था हो जाएगी तो यह समस्या ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि यात्री किराए का जो भुगतान करेंगे वह सीधे सरकारी खजाने में जाएगा। इसके साथ ही प्रयागराज मंडल के क्षेत्रीय प्रबंध MK त्रिपाठी बताते हैं कि काफ़ी समय से इसकी तैयारी चल रही थी, जो कि अब पूरी हो गई है। कंडक्टर को इस मशीन के संचालन संबंधित प्रशिक्षण भी दिए जा चुके हैं। जल्द ही बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।